The visine, light it up to bring the vibe in. Lime scent, color spot beam on me. I'm a star every night lit, ultraviolet. Hey, I told her make sure that phone is on silent, so we know I'm what the vibe is. Take a look in my iris. I think she know that I'm high risk. I never know what the time is. I never know when my mind went. Hey, I got a lot of. और मैं हूँ इस वक्त मरीसा बीच पे. आज सुबह 7 बजे हम चले थे एला से बस में. तो बस का किराया था 425 रुपये बस का किराया था. और 5 घंटे में उसने हमें यहाँ उतार दिया मरीसा बीच पे. तो यहाँ हमने एक गेस्ट हाउस बुक किया था $20 का booking.com से. तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जाके. अगर आप श्रीलंका आ रहे हो ना तो एला और मरीसा बीच, अगर यहाँ नहीं ना आए तो श्रीलंका आने का कोई फ़ायदा नहीं आपका. और जो कहते हैं ना श्रीलंका में जाने का क्या फ़ायदा है, एक बार इन दोनों सिटी में आ जाना, मरीसा और एला, तो आपको पता चल जाएगा कि श्रीलंका में क्या है. आज रात हम यहाँ पे रहेंगे और कल चले जाएंगे कोलंबो. तो कोलंबो से हम करवाएंगे अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के बाद हम 8 को चले जाएंगे इंडिया. तो सामने ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, हम वहाँ जा रहे हैं. तो देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है ये पूरे समुंदर का. तो चलो चलते हैं वहाँ व्यू पॉइंट पे. तो 5 दिन हो गए हमें यहाँ पे आए को. तो हमें फर्स्ट टाइम मिले हैं दो इंडियन भाई. तो ये है भाई मेरा, हाय, बेंगलोर से सिद्धार्थ और नोएडा से ध्रुव. ये फर्स्ट इंडियन है जो हमें यहाँ पे मिले हैं. तो करते हैं इनसे बातचीत कुछ. तो क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे उन्होंने. यहाँ से ना वो सामने देखो, वहाँ सामने ये अभी मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये है कोकोनट हिल. तो यहाँ ना बहुत अच्छी पिक्चर आती है, फ़ोटो वगैरह आती है. तो यहाँ पे अब हम वहाँ जाएंगे और यहाँ वहाँ जाके कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे. तो थोड़ा सा यहाँ बैठ के सुकून से इस समुंदर का नज़ारा लेते हैं अभी.
कोकोनट हिल पे। तो ऊपर जाकर देखते हैं कैसे व्यू हैं। तो ऊपर जाकर देखते हैं अभी। यहाँ पे आ गया हूँ कोकोनट हिल पे। तो यहाँ का व्यू आप चेक करो, तो आपने देखा व्यू, तो बहुत ही अच्छा ऑसम व्यू था। तो अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो हम जाएंगे अब होटल में। तो आप मिलते हैं आपको रात को, रात को दिखाते हैं मरीसा की नाइट लाइफ। तो मरीसा बीच पे ना रात का माहौल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ना पार्टी वगैरह चलती है रात को। तो फॉरनर जो आते हैं, जैसे हम इंडियन या बाहर का कोई भी आता है ना, उनके लिए एंट्री फ्री होती है। अंदर जाके आप अपनी ड्रिंक वगैरह ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। तो मैंने भी यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया है, जो कि मैंने वीडियो बिल्कुल शूट नहीं की। और कल जा रहे हैं हम कोलंबो। तो कोलंबो में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब नई वीडियो के लिए। तो चलो चलते हैं। और लास्ट में देखना, मैंने डाले हैं स्नैपचैट के कुछ शॉर्ट।